हेलो स्टूडेंट, आज की हम वर्कशीट जो देख रहे हैं वो है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 33। ये 19 सितंबर, ये सैटरडे की आपकी वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है ये पिछली वर्कशीट की कंटिन्यूएशन में है, वो है मोडाल्स की वर्कशीट जो हमने पिछले हफ्ते भी की थी, तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट है। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस वर्कशीट को देखते हुए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो मोडाल्स पे हम डिस्कशन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड परमिशन। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सजेशन एंड एडवाइस। तो पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोडाल्स जो होते हैं वो ये बताते हैं कि वर्ब जो है वो कहाँ पर या कैसे हो रहा है, तो उसके वर्ब के बारे में, एक एक्शन के बारे में और ज्यादा मोडाल्स जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बताते हैं कि उसके उस एक्शन के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, ये कितना वो हो सकता है। और मोडाल्स ऑफ परमिशन बताते हैं कि उसको करने के लिए हमें अलाउड है कि नहीं है, क्या हम वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज हम देखेंगे मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सजेशन और एडवाइस, जिसमें हम बताते हैं कि क्या हमें करना ही करना है या हमें क्या कर लेना चाहिए। ये सजेशन अगर हम किसी को देना चाहते हैं या कोई हमें सजेशन दे रहा है या अगर कोई हमें सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो उसके लिए हम कौन से मोडाल्स यूज करते हैं वो हम आज देखेंगे। मैं ऑलरेडी आपको पिछली वर्कशीट में बता चुकी हूँ कि मोडाल्स जो है वो ग्रामेटिकली जनरली करेक्ट ही होते हैं। तो अगर एक जगह मैं मस्ट यूज कर रही हूँ और उसकी जगह अगर मैं हैव टू यूज कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा, इनकरेक्ट नहीं होता है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट ही होगा, दोनों में से मैं कोई भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन मोडाल्स की बस ये बात होती है कि इसमें कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा या कौन सा ज्यादा ठीक लगेगा या कौन सा ज्यादा कॉमनली यूज है। हम बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश में हम कौन सा कॉमनली यूज करते हैं वो फिर जो है वो करेक्ट मोडाल हो जाता है, अदरवाइज ग्रामेटिकली दोनों ही सही होते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि दोनों ही सही हैं और दोनों सही भी होते हैं, तो दोनों हो सकते हैं, मतलब दो भी जो भी आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं वो दोनों ही पॉसिबल हैं। लेकिन उन दोनों में से भी कौन सा मोर अप्रोप्रिएट होगा वो फिर हम चूज करते हैं और उसको फिर फिल इन द ब्लैंक में डालते हैं। तो अब मैं देख लेती हूँ कि मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन यहाँ आपको कौन से बताए गए हैं। यहाँ बताए गए हैं आपको मस्ट और हैव टू। तो ऐसे मोडाल्स जिसमें आपको करना ही करना है, एक ऑब्लिगेशन है वो कि आपको करना ही करना है, वो होते हैं मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन। यहाँ पर भी है, इसका यूज होता है, कंपल्शन है, ये कंपल्सरी है या कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, तो ऐसे में हम मस्ट या हैव टू यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं यहाँ। Everyone must submit the work before Saturday. I have to wash dishes today. You must not smoke here. तो जब मेरे को आज बर्तन धोने ही हैं, I have to, मुझे ये करना पड़ेगा। You must not smoke. यहाँ पर आपको बिल्कुल भी smoking नहीं करनी चाहिए। तो ये जो compulsion जो है तब हम must या have to use करते हैं। फिर आ जाता है modals of suggestion. तो जब आपको किसी को suggestion देना है, कोई कुछ सजेस्ट करना है उन्हें, तब आप यूज करते हैं कुड, कि आप ये कर सकते हैं। तो या तो आप यूज करेंगे कुड, तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, माइल्ड सजेशन जब आपको देना है, आपको हल्का सा सजेशन जब आपको देना है, तो शी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज, कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू। तो हल्का सा आप सलाह दे रहे हैं, हल्की सी सजेशन दे रहे हैं, कोई कंपल्सरी भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी एडवाइस भी नहीं है, बहुत बड़ी सलाह भी नहीं है, आप हल्का सा इंडिकेशन दे रहे हैं कि क्या तुम ये कर सकती हो या अगर वो यहाँ सो जाएगी तो यहाँ ये ठीक रहेगा। तो एक जैसे एक हल्का सा सजेशन होता है ये। फिर तीसरा आपको यहाँ दिया हुआ है मोडाल्स ऑफ एडवाइस। तो मोडाल्स ऑफ एडवाइस में आता है ऑट टू और शुड। तो एक ये एक तरह से ऑट टू और शुड हो जाता है, जब कि आपको ये करना चाहिए। तो मॉरली जब बात हो जाती है तो आप ऑट टू या शुड यूज करते हैं। तो ऑट टू जैसे यहाँ आपको बताया गया है, ये यूज होता है जब आपकी कोई फर्ज बनता है या आपकी कोई ड्यूटी बनती है या कोई आइडियल है या मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ऐसा कहीं देखो कंपल्सरी तो नहीं है, तो मस्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये एक मॉरल ऑलमोस्ट मस्ट की तरफ ये रीच करता हुआ है कि हमें बोलना ही चाहिए। मतलब कि अगर 100% अगर मैं इसको बोलूं कि मोडाल ऑफ ऑब्लिगेशन जो है वो 100% है कि ये करना ही करना है,
तो ऑट टू जो है वो थोड़ा 80% में आ जाता है कि देखो ये कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और ये थोड़ा ड्यूटी हो जाता है, ये आपका फर्ज बनता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है ये करने की। तो जब आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो आप ऑट टू यूज करते हैं, जैसे कि आई ऑट टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और ज्यादा फोन करना चाहिए। देयर ऑट टू बी मोर लाइब्रेरीज इन द कम्युनिटीज, कम्युनिटी में और ज्यादा लाइब्रेरीज होनी चाहिए। यू ऑट टू हेल्प योर नेबर्स, तो तुम्हें अपने नेबर्स की जरूर मदद करनी चाहिए। तो ये एक तरह से ड्यूटी को दर्शाता है ऑट टू। फिर इसी में ही आ जाता है मोडल्स ऑफ एडवाइस में ही शुड। तो इसमें है वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस, यू शुड हेल्प एट होम। तो हमें जो आप एडवाइस दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तब आप शुड यूज करते हैं कि तुम्हें क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें घर पर मदद करानी चाहिए। तो मैं यहाँ बोलूंगी, अगर मैं फिर से परसेंटेज के मामले में बात करूँ, तो ये 100% यहाँ है कि करना ही करना है, और टू हो जाएगा समवेयर 80% कि देखो आपको ये करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। शुड हो जाएगा 70% की सलाह कि देखो ये करना चाहिए, ये अच्छी बात है करना। और कुड जो है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप लगा सकते हैं कि 50%, भाई कर भी लोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं। तो इस तरह से कुड जो है वो 50% की सलाह है। तो ये जो है आपको मैंने डिग्रीज एक तरह से बता दी है कि जितनी डिग्री से आप कोई एक्शन करवाना चाहते हैं या सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर आप कौन सा वाला मोडल आप यूज कर सकते हैं। तो इसको आपको याद करने में आसानी रहेगी, ये 50, 70, 80 और ये 100%। तो कोई काम आपको कैसे करवाना है उसकी ये डिग्रीज है। तो इसी पे बेसिस पे जल्दी से आपकी जो यहाँ पर एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सेंटेंसेस पढ़ने हैं और ब्लैंक्स फिल करने हैं करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हुए। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर है यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स, यू मस्ट पोस्टपोन, यू कुड पोस्टपोन। तो आप देखो, आप किसी पे कंपल्शन तो लगा नहीं सकते हो कि उन्हें अपने फ्रेंड को विजिट करने को पोस्टपोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से ये सजेशन ही है, माइल्ड सजेशन है। तो यू कुड पोस्टपोन, तुम अपने फ्रेंड्स को विजिट करना पोस्टपोन कर सकते हो, तो एक तरह से सजेशन है, तो यहाँ कुड आएगा, यू कुड पोस्टपोन। सेकेंड है आई डैश फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड, ऑट टू हैव टू, कि ये ऑट टू ये ड्यूटी है आपकी कि आपको ये बुक जो है वीकेंड तक फिनिश करनी है, या आपको कोई काम है इसलिए आपको करनी ही करनी है। तो यहाँ आएगा आई हैव टू फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड, क्योंकि मेरा अगले हफ्ते इस पर टेस्ट है, तो इसलिए मुझे इसे पढ़ना ही पढ़ना है इस हफ्ते, इस वीकेंड तक। तो ये हैव टू आएगा यहाँ। फिर है यू डैश स्पीक लाउडली इन अ लाइब्रेरी, तो यहाँ ऑप्शंस आपको दिए हैं मस्ट नॉट, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है मस्ट नॉट की मस्टन्ट, और ये शुडन्ट, तो ये शुडन्ट। तो अब लाइब्रेरी में लाउडली बात करने की बात हो रही है कि आपको लाइब्रेरी में बिल्कुल तेज बात नहीं करनी चाहिए। अब शुडन्ट तो है एडवाइस कि आपको ये सलाह है, और मस्ट नॉट है कि भाई नहीं ही करनी चाहिए। अब लाइब्रेरी की बात हो रही है तो यहाँ तो मस्ट नॉट आएगा, क्योंकि लाइब्रेरी में ये रूल होता है कि आप बिल्कुल भी जोर से बात नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लाइब्रेरी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो वहां पर साइलेंस प्लीज का भी वहां पर नोटिस लगा हुआ होता है। तो यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन अ लाइब्रेरी, बिल्कुल भी नहीं बात करनी चाहिए लाइब्रेरी में तेज चिल्लाकर। फोर्थ है आपका इट मे रेन, यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, बारिश हो सकती है तो यू कुड कैरी एन अम्ब्रेला या यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला। तो यहाँ एडवाइस दे रहे हैं, बारिश होने वाली है, थोड़ी सी बड़ी टाइप की एडवाइस है, तो यहाँ 70% मैं कहूंगी कि शुड यहाँ बेटर रहेगा कि भाई बारिश होने वाली है, अपने साथ अम्ब्रेला ले जाओ। तो ये थोड़ा बड़ा वाला सजेशन है, माइल्ड सजेशन नहीं है ये, तो शुड यहाँ पर आएगा, यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला। फिर फिफ्थ है आपका डैश आई बाय दिस ड्रेस, कुड या शुड, तो यहाँ पर है शुड आई बाय दिस ड्रेस, आप एडवाइस लेना चाहते हैं सामने वाले की, आप सलाह लेना चाहते हैं, तो आप पूछ रहे हैं शुड आई बाय दिस ड्रेस, मैं क्या ये ड्रेस खरीद लूँ, तो शुड आएगा यहाँ। फिर सिक्स है आपका आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, फिर है आई ऑट टू, आई हैव टू, तो ये मेरी ड्यूटी है, आई ऑट टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, या आई हैव टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मेरी बहुत पिटाई हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है भाई, हैव टू वाली बात तो है नहीं कि आई हैव टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। आई ऑट टू भाई अपनी हेल्थ के लिए जो है, अपने स्वास्थ्य के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो एक तरह से ये ड्यूटी बन जाती है, एक तरह से अच्छा रहेगा अगर कर लेंगे तो, आई ऑट टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मुझे ये करना चाहिए। फिर है आपका सेवेंथ यू डैश वरी आई हैव पेड द बिल, तो यू मस्टंट वरी कि तुम चिंता मत करो मैंने बिल पे कर दिया है, यू शुडंट वरी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए मैंने बिल पे कर दिया है।
अब मस्ट नॉट जो है यहाँ पर जो है देखो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आ जाएगा, ठीक है। अब एक तो आपने उसका बिल पे कर दिया है सामने वाले का, फिर आप कह रहे हैं कि देखो चिंता मत करो क्योंकि मस्ट नॉट करेंगे और ऑब्लिगेशन लगेगा तो ऐसा लगेगा सामने वाले पे एहसान कर रहे हैं। तो एक तरह से ये हल्की सी एडवाइस है कि देखो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैंने बिल पे कर दिया है, तो यू शुड नॉट वरी यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मस्ट नॉट और शुड नॉट दोनों ही यहाँ ग्रामेटिकली तो करेक्ट है वैसे तो, लेकिन क्या अप्रोप्रिएट ज्यादा होगा वो होगा शुड नॉट। तो अगर सामने वाले को आप ज्यादा बुरा नहीं फील कराना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं देखो चिंता मत करो, यू शुडंट वरी, आई हैव पेड द बिल। तो इस तरह से आप शुडंट यहाँ लिख सकते हैं। एट है आपका यू डैश विजिट अ डॉक्टर, यू लुक इल, तुम बीमार लग रहे हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो ये एक एडवाइस है, कुड या शुड, तो यहाँ शुड आएगा क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रांग एडवाइस है ये, थोड़ी स्ट्रांग सलाह है कि भाई बीमार लग रहे हो जाओ डॉक्टर के पास जाओ, तो यू शुड विजिट अ डॉक्टर। कुड नहीं क्योंकि कुड जो है थोड़ा माइल्ड सजेशन है, भाई एक तो वो बीमार दिख रहा है फिर कह रहा है यार चला जा, 50-50 वाली बात थोड़ी है कि चला जाएगा तो भी ठीक है, नहीं जाएगा तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है, उसे जरूर जाना चाहिए क्योंकि बीमार लग रहा है, तो आप थोड़ा स्ट्रांग सजेशन देंगे यू शुड विजिट अ डॉक्टर। नाइन्थ है आपका यू डैश वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, तो बाइक राइड करते टाइम आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ऑप्शन है मस्ट या कुड, पहनना ही पहनना चाहिए या ये सजेशन है, ऑफ कोर्स पहनना ही पहनना चाहिए वरना जुर्माना लग जाएगा, ये रूल है, तो यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, तो ये रूल है तो मस्ट आएगा यहाँ। टेंथ है आपका टेंथ है आपका सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास, सीमा को पास होने के लिए हार्डवर्क करने की जरूरत है, हैज टू या ऑट टू, तो ये उसे करना ही करना है हार्डवर्क पास होने के लिए या उसे करना चाहिए, तो यहाँ ऑट टू जो है वो थोड़ा मोर अप्रोप्रिएट होगा, सीमा ऑट टू वर्क हार्ड टू पास, एक तरह से उसकी उसका ये फर्ज बनता है कि भाई अगर वो पास होना चाहती है तो उसे हार्डवर्क करना चाहिए, तो यहाँ ऑट टू जो है वो मोर अप्रोप्रिएट होगा, ज्यादा बेटर होगा। उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। थैंक यू।